जय श्री राम, जय हनुमान, ओम श्री हनुमंते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। रविवार का दिन 30 अप्रैल, चंद्रमा बड़ा शुभ है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि है, वृद्धि योग मघा नक्षत्र 3:30 तक केतु स्वामी है। मघा नक्षत्र का केतु आपके लिए बड़ा भाग्यशाली साबित होगा। उसके बाद पूर्वा फागुनी नक्षत्र का शुक्र, आज आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन होगा। आप बहुत खुश रहेंगे, श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। खुशियों से भरा आज का दिन आपके लिए बड़ा शुभ समाचार लेकर आएगा। उत्साह बना के रखें, मेहनत से काम करें, जल्द ही कोई बड़ी सफलता मिलने वाली है। आपका भाग्य चमकने वाला है, आपकी सुख खुशी और सौभाग्य की प्राप्ति होने वाली है। शुभ समाचार मिलेगा, भाग्यशाली सौभाग्यशाली आप होंगे। एक नई शुरुआत आपके जीवन में होगी, क्योंकि शनि की स्थिति बेहतर है, जो तरक्की का रास्ता आपके जीवन में लेकर आया है। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। मंगल आज शुभ स्थिति में गोचर कर रहा है, हर समस्या का समाधान मिलेगा, क्योंकि बुध के साथ सूर्य की युक्ति है और राहु की स्थिति आपके जीवन में अचानक तरक्की और लाभ का अवसर लेकर आएगा। आपके जीवन में बड़े बदलाव आरंभ हो चुके हैं। 2 मई के बाद आपके लिए समय और भी ज्यादा शुभ हो जाएगा, जब आपके जीवन में तरक्की की संभावना, लाभ का योग, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि मंगल और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिसके प्रभाव से आपके आत्मविश्वास भी बढ़ेंगे, आपके जीवन में उत्साह भी बढ़ेगा, आपके अधूरे काम भी पूरे होंगे और समस्या से आपको छुटकारा भी प्राप्त हो जाएगा। आज केतु शुक्र का प्रभाव है, राहु की छाया मंगल सूर्य की दृष्टि है, यानी आपके लिए समय धन सौभाग्य लेकर आया है। आपके लिए समय जीवन में खुशी लेकर आया है। नौकरी व्यापार में तरक्की, कार्य क्षेत्र की वृद्धि, यानी आपके लिए स्थिति बड़ा अच्छा होने वाला है। भय और परेशानी से आपको राहत मिलेगा। आपके जीवन में कोई बड़े काम होंगे, सुखद परिणाम आपको खुशी भी देगा और आपको भाग्यशाली भी बनाएगा, क्योंकि आज मंगल और सूर्य की दृष्टि है, केतु और शुक्र का प्रभाव है, पूर्वा फागुनी नक्षत्र का शुक्र तो सुख को बढ़ाता है और मघा नक्षत्र का केतु आपकी परेशानी को दूर करता है, तो मन की चिंता भी दूर होगी। भाग्य आपका अच्छा है, लाभ सौभाग्य की प्राप्ति होगी। स्टूडेंट के लिए अच्छी नौकरी, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए जीवन में सुख है, आपके लिए सफलता, लाभ की स्थिति और परिवार की समृद्धि, यानी जीवन में हर तरफ से खुशियां आने वाली है। आप बड़े भाग्यशाली बन रहे हैं, क्योंकि आज चंद्रमा की स्थिति बेहतर है, शुक्र और चंद्रमा जो आपके लिए अनुकूल योग बना रहा है, आपके जीवन में लाभ सौभाग्य लेकर आया है, समृद्धि सुख लेकर आया है, आपकी बिजनेस में तरक्की होने वाली है। बुध शुक्र चंद्रमा का गोचर लाभ देगा। आज ये बृहस्पति भी आपके जीवन में धन का अवसर लेकर आएगा, बड़ी सफलता कामयाबी का योग है, सौभाग्य सुख का योग है। आज का दिन 4 चरण में व्यतीत होगा। प्रथम चरण का स्वामी बृहस्पति है, द्वितीय चरण का स्वामी शनि, तृतीय चरण का स्वामी चंद्रमा है, चतुर्थ चरण का स्वामी मंगल है। प्रथम 2 चरण तरक्की भरा होगा और तीसरा और चौथा चरण भाग्यशाली बनाएगा। तो आज का दिन आपके लिए बड़ा शुभ है, बड़ा सौभाग्य लेकर आया है। अपने आत्मविश्वास को बनाकर रखें,
मेहनत से काम करें, निश्चित ही आपके लिए सफलता, कामयाबी, खुशखबरी की प्राप्ति होगी। मन में अच्छे विचार आएंगे, अच्छे अवसर मिलेंगे, जीवन में लाभ तरक्की अपने मेहनत से आप प्राप्त करेंगे। आपके लिए समय शुभ है, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आज राहु काल 5:16 से 6:55 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें, पश्चिम दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लकी कलर पिंक होगा, लकी नंबर 9 होगा। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से आरंभ होगा, केतु प्रभावित करेगा और अमृत काल में दोपहर 12:50 के बाद मंगल की दृष्टि होगी, जबकि अभिजीत मुहूर्त 11:52 और विजय मुहूर्त 2:31 आपके लिए लाभ, सौभाग्य, धन समृद्धि, मन में शांति, प्यार में मधुरता, रिश्तों में प्यार और आपके जीवन में सफलता का अवसर देगा। तो आप भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान।